महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर सोनिया और शरद पवार के बीच अटकी बात। आज सुबह सोनिया गांधी ने पवार से फोन पर की चर्चा। सोनिया गांधी ने अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा पवार से बातचीत का जिम्मा। आज मुंबई जाएंगे तीनों कांग्रेस नेता, शरद पवार से करेंगे मुलाकात। अस्पताल में भर्ती संजय राउत का हाल जानने पहुंचे उद्धव ठाकरे, मीडिया से कहा बाद में करूंगा बात। संजय राउत का हाल जानने बीजेपी नेता आशीष शेलार भी अस्पताल पहुंचे। महाराष्ट्र में आज रात तक हट जाएगा सरकार से सस्पेंस, एनसीपी को रात 8:30 बजे तक पेश करना है दावा। एनसीपी को कांग्रेस के समर्थन पत्र का इंतजार, अब तक कांग्रेस आलाकमान ने नहीं दिया हरी झंडी। एनसीपी नेता अजित पवार का बयान, आज रात तक सरकार बनाने का दावा पेश करना मुश्किल, कांग्रेस पर फोड़ा देर करने का ठीकरा। शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने किया साफ, शिवसेना की बनेगी सरकार। सूत्रों से खबर, कांग्रेस आलाकमान का संदेश लेकर कांग्रेस नेता दिल्ली से जयपुर रवाना। अस्पताल में भर्ती संजय राउत से मिले शरद पवार, जाना हाल। कल शिवसेना नहीं पेश कर पाई सरकार बनाने का दावा, राज्यपाल ने एनसीपी को दी है आज रात तक की मोहलत। ताजा हालात पर बीजेपी की भी नजर, आज शाम फिर कोर कमेटी की बैठक। असदुद्दीन ओवैसी ने किया साफ, महाराष्ट्र में एआईएमएम के 2 विधायक शिवसेना एनसीपी के गठजोड़ को नहीं देंगे समर्थन। शिवसेना को सरकार बनाने की उम्मीद, संजय राउत का ट्वीट, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी बीजेपी को लगा झटका, विधानसभा चुनाव में सहयोगी दल एलजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान ने ट्वीट करके किया साफ, झारखंड में 50 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी एलजेपी। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट का हक, 7 विधानसभा क्षेत्रों में बतौर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा लागू। आज 2 दिन के दौरे पर ब्राजील जाएंगे पीएम मोदी, ब्रासिलिया में हो रहे 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। छठी बार ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी, आर्थिक विकास के मुद्दे पर हो रही है बैठक। पंजाब में खालिस्तानी आतंकी साजिश का खुलासा, महिला नर्स समेत 2 संदिग्ध गिरफ्तार। लुधियाना में नर्स, होशियारपुर में ड्राइवर पकड़ा गया, कुछ हिंदू नेता थे टारगेट, विदेशों से मिल रहा था फंड। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में प्रदूषण फिर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंचा, AQI ज्यादातर इलाकों में 500 के पार। नोएडा में भी प्रदूषण बढ़ा, हवा की क्वालिटी का स्तर 700 के पार। गुरुग्राम में भी दिखी स्मॉग की चादर, प्रदूषण में इजाफा। अयोध्या में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने की मस्जिद निर्माण की जमीन जल्दी देने की अपील, बोले जल्दी बताएं ताकि शुरू कर सके निर्माण का काम। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार कर रही है भूमि की तलाश, राम जन्मभूमि से 5 किलोमीटर दूर सरयू तट पर बसे शाहिनवान गांव में मस्जिद के लिए मुहैया कराई जा सकती है जगह। मुस्लिम आबादी वाले शाहिनवान गांव में ही मीर बाकी की है मजार, मीर बाकी नहीं अयोध्या में बाबरी मस्जिद का कराया था निर्माण। अयोध्या फैसले पर बयान देने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भोपाल में शिकायत दर्ज, भड़काने का आरोप। मेरठ में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले गद्दारी की बातें ना करें ओवैसी, कानून करेगा अपना काम। कार्तिक पूर्णिमा के बाद योगी आदित्यनाथ जाएंगे अयोध्या, रामलला के करेंगे दर्शन। साधु संतों से भी मंदिर निर्माण को लेकर होगा विचार, तारीख को लेकर जल्दी हो सकता है फैसला। अब यूपी रोडवेज की बसों में होगी पेटीएम डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधा, मशीन से बनेगा टिकट। GPRS से बस की लोकेशन भी चलेगी पता, लखनऊ में शुरू हुआ ट्रायल। लता मंगेशकर की सेहत में सुधार, कल अस्पताल में हुई थी भर्ती। साक्षी महाराज ने मोदी सरकार के अगली रणनीति का किया खुलासा, बोले अगला टारगेट हम दो हमारे दो। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने TMC पर किया वार, कहा राम जन्मभूमि को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्यों है खामोश। आज कार्तिक पूर्णिमा पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, सरयू में लगा रहे आस्था की डुबकी, 5 लाख भक्तों के स्नान का अनुमान। हरिद्वार में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हर की पैड़ी पर गंगा स्नान। बिहार के नवादा में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान हादसा, तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चियों समेत 3 की मौत। सिख समुदाय आज धूमधाम से मना रहा गुरु नानक देव का 550वां प्रकाश पर्व, गुरुद्वारों में उमड़ी भीड़।
दिल्ली में सड़कों पर भी प्रकाश पर्व का उत्सव, नगर कीर्तन की धूम। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रकाश पर्व पर टेका माथा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी प्रकाश पर्व का जश्न, हजारों श्रद्धालु पहुंचे। पीएम मोदी ने दी 550वें प्रकाश पर्व की बधाई, ट्वीट करके लिखा, गुरु नानक देव के सपने को पूरा करने का संकल्प लें। हैदराबाद में ट्रेन एक्सीडेंट का आया सीसीटीवी फुटेज, आमने सामने से टकराई दोनों ट्रेनें, कल हुआ था हादसा। अल्मोड़ा में मेले के दौरान मौत के कुएं में हादसे का शिकार हुआ बाइकर, लगी गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती। यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार, कानपुर देहात के विधायक विनोद कटियार समेत 3 लोग घायल। सिलीगुड़ी में पुलिस ने कंचनजंगा एक्सप्रेस से 2 लोगों को किया गिरफ्तार, $1,38,000 बरामद। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, 1 घायल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।